लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को मोदी की गारंटी नाम से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में देश की जनता को 14 गारंटी देने का वादा किया गया है। वहीं इस संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है, इसका एक बड़ा कारण है 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों ना हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला जाएंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस